भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे? हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई, इसमें अड़ने की क्या बात है? बिहार की राजनीति में सियासी संघर्ष तो खूब होते हैं, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो संघर्ष है वो अब सतह पर आ गया है। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि सीट के लिए अड़ने की जरूरत ही नहीं है, हाजीपुर लोकसभा सीट मेरे पिता रामविलास पासवान की सीट रही है। तो क्या पशुपति पारस इस सीट से समझौता करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं और दोनों की अदावत जग जाहिर है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे? हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई, इसमें अड़ने की क्या बात है? चिराग के ऐसे बयान को क्या समझा जाए? क्या चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच समझौता कराने की बीजेपी की कोशिश नाकामयाब रही है? क्या कोशिश जोर नहीं पकड़ रही है? पारस इन दिनों बीजेपी के पक्ष में अधिक मुस्तैदी से खड़े दिखते हैं, तो वहीं भतीजा चिराग कह रहे हैं उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। चिराग ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति रामविलास है। एक समय था जब पार्टी के 6 सांसद में से 5 सांसद राजग नेतृत्व में शामिल हो गए थे, उस समय चिराग अकेले पड़ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी से अपने संबंध सुधार लिए, लेकिन चिराग को पारस पर और पारस को चिराग पर जब भी हमला बोलना होता है दोनों ही एक दूसरे पर खूब हमलावर होते हैं। यहां बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल ये है, बीजेपी चाचा और भतीजा दोनों में सुलह चाहती है। चिराग की जहां फैन फॉलोइंग है और वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ है, वहीं पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। इधर पारस भी हाजीपुर सीट पर हार मानने के मूड में नहीं है। अब जब चिराग अपना दावा ठोक रहे हैं तो पारस का रिएक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या चाचा भतीजा के बीच वो सुलह करवा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।